हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके 24। और आज के इस 10 मिनट शो में आप सभी का स्वागत है। आज देखो हम किस पर बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं स्टैचू ऑफ इंडिया 2023। तो यहाँ पे आपको पता है कि बहुत सारे स्टैचूज अलग अलग वजहों से न्यूज में बने रहते हैं। या तो उनका इनॉग्रेशन हुआ है, या फिर उनका रेनोवेशन चल रहा है, या फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई टॉलेस्ट स्टैचू है उसकी वजह से वो न्यूज में है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, आज उनकी लोकेशन डिस्कस करेंगे, उनके आर्किटेक्ट को डिस्कस करेंगे और वो कहाँ पर है। ठीक है, इस तरीके के जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। और ये टॉपिक आपके ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसलिए आप इसको रट लेना। ठीक है, और यहां पे हम भारत की प्रमुख प्रतिमाएं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वेयर हैज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट 27 फीट हाई नटराज स्टैचू बीन इंस्टॉल्ड। यहां पे आप जैसा कि पिक्चर में देख सकते हो, इसे कहते हैं नटराज का स्टैचू। तो ये जो नटराज स्टैचू है 27 फीट हाई, जो कि वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू है, तो इसको कहां पे इंस्टॉल किया गया है? तो ये किया गया है भारत मंडपम में। ठीक है, जो कि कहां पर है, न्यू दिल्ली में। तो आपको पता है कि भारत मंडपम भी जो है अभी इनॉग्रेशन हुआ था इसका, तो इसी वजह से ये न्यूज में था। तो आपको याद रखना है कि भारत मंडपम में है वर्ल्ड का टॉलेस्ट नटराज स्टैचू, जो कि 27 फीट का मतलब क्या है, लंबा है। अब मैं यहाँ पे थोड़े से फैक्ट्स आपको बता देता हूँ नटराज स्टैचू से रिलेटेड, जो कि भारत मंडपम में है। देखो, इस जो आइडल है, इस मूर्ति का जो वेट है, दैट इज 19 टन। ठीक है, 19 टन का इसका वेट है, जो कि अष्ट धातु से मिलकर बना है, यानी कि 8 धातु इसके अंदर मिली है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, लेड, कॉपर, टिन, मर्करी, आयरन एंड जिंक, इन सब से मिलकर इसको बनाया गया है। और दूसरी बात, इसको बनाया कौन है, इसकी स्कल्पचर कौन है, तो वो है यहाँ पे आपके देव सेनापति सतापति ऑफ स्वामी मलाई डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। तो ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और ये इसके क्या है, स्कल्पचर। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी जो है कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, तो ये है आपका स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी। ठीक है, और कहाँ पर लोकेटेड है, इसकी लोकेशन पूछी गई है, तो ये है आपका तेलंगाना में। तेलंगाना में यानी कि हैदराबाद तेलंगाना में ये लोकेटेड है। चलो अभी थोड़ा सा और इस पर बात कर लेते हैं कि स्टैचू है किसका। तो ये स्टैचू है आपके फिलोसोफर संत रामानुजाचार्य। ठीक है, संत रामानुजाचार्य जो है उनका स्टैचू है ये, और ये फिलोसोफर थे और इनका ही स्टैचू ही कहां पर है, हैदराबाद के अंदर। और ये अभी जो है इसको इंस्टॉल किया गया है, इसकी कितनी हाइट है, तो ये है करीब 216 फीट हाई, और इसको बनाया है पंचलौह से। ठीक है, पंचलौह मतलब 5 मेटल से, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास एंड जिंक। और ये जो है टॉलेस्ट मेटल है, टॉलेस्ट मेटल स्टैचू है इन द वर्ल्ड, सिटिंग पोस्चर वाला। ठीक है, सिटिंग पोस्चर में ये टॉलेस्ट मेटल है। ठीक है, आगे देखते हैं, वेयर इज दिस स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी लोकेटेड। यहाँ पे पूछा जा रहा है स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है। तो ये जो आप स्टैच्यू देख रहे हो, इन्हें कहा जाता है स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, और ये कहाँ पर है, ये है बेंगलुरु के अंदर। ठीक है, अभी जो बात करेंगे, ये स्टैच्यू है किसका, किस पर्सनैलिटी का है, तो यहाँ पे यह है फाउंडर ऑफ बेंगलुरु, श्रीनाथ प्रभु कैंपेगौड़ा। ठीक है, श्रीनाथ प्रभु कैंपेगौड़ा जो है ये है बेंगलुरु के फाउंडर, और इन्हीं के नाम पे ये है स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी माना जाता है, जो कि बेंगलुरु के अंदर है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो स्टैचू है, ये करीब इसकी हाइट है 108 फीट। ठीक है, 108 फीट तो इसकी हाइट है, और इसको बनाया किससे गया है, ब्रॉन्ज मेटल से। तो आपको ये भी चीज याद रखनी है। यहाँ पे जो इसके स्कल्पचर हैं वो है राम वी सुतार। ठीक है, यहाँ पे इसके जो स्कल्पचर हैं, इस स्टैचू को बनाने वाले जिन्होंने इसको बनाया, वो है राम वी सुतार। ठीक है, चलो इतनी चीजें यहाँ से याद हो जाएंगी, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बेंगलुरु में लोकेटेड है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो स्टैचू है वो किनका है, ये है बेंगलुरु के फाउंडर, और इनका नाम है श्रीनाथ प्रभु कैंपेगौड़ा। इस स्टैचू की जो हाइट है वो है 108 फीट, और इसको बनाया गया है ब्रॉन्ज मेटल से। इसके जो स्कल्पचर है वो है राम वी सुतार। ठीक है, इतनी चीजें आपको बस यहाँ से याद रख लेनी है। चलो आगे देखते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो अम्बेडकर का स्टैचू है, जिसको हम स्टैचू ऑफ नॉलेज कहते हैं। ठीक है, एक मिनट, स्टैचू ऑफ नॉलेज कहा जाता है इस स्टैचू को, जिन जो कि किनका है, अंबेडकर जी का है। तो ये कहाँ पर है, ये आपसे पूछा गया है, तो ये है आपका लतूर महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, लतूर महाराष्ट्र में ये स्टैचू बनाया गया है, जो कि बी आर अम्बेडकर का है। अब यहाँ पे देखो, इसको लतूर महाराष्ट्र में इस्टेब्लिश किया गया, पहली चीज जो कि हमने देख ली है। द हाइट ऑफ अम्बेडकर स्टैचू, जो ये जो आप पर्टिकुलर स्टैचू देख रहे हो, इसकी हाइट है करीब 70 फीट का ये स्टैचू है। कहाँ पर है, लतूर महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट देखो, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवील द स्टैचू ऑफ पीस। यहाँ पे स्टैचू ऑफ पीस जो है, इसका भी हाल ही में इनॉग्रेशन हुआ है, इसको कहते हैं स्टैचू ऑफ पीस। ये जो स्टैचू है ये किसका है, ये है जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज। ठीक है, क्या नाम है इनका, विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज इनका नाम है, जो कि जैन आचार्य है। और इनका ये स्टैचू कहाँ पर अनवील किया गया है, तो ये किया गया है आपका यहाँ पे देखो, पाली राजस्थान में। ठीक है, पाली राजस्थान में जो है इस स्टैचू को अनवील किया गया है। अच्छा, यहाँ पे थोड़े से इसके बारे में और हम थोड़े से बात कर लेते हैं। ये जो जैन आचार्य
जैन आचार्य विजय वल्लभ जी का जो स्टेचू है इसके बारे में, तो ये जो है जैतापुर इन पाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान जो है, मतलब एग्जैक्टली अगर हम बात करें लोकेशन की, तो वो जैतापुरा है जो कि पाली डिस्ट्रिक्ट में आता है और कहाँ पे, ये राजस्थान के अंदर। तो आपसे इसकी लोकेशन पूछी जा सकती है, इसलिए याद रखना इसको। और करीब इसका जो वेट है वो है 1300 किलो, ठीक है, 1300 किलो का ये पूरा वेट इसका है, इस पूरे स्टेचू का। और ये कितने फीट का है, ये है 27 फीट हाई स्टेचू, ठीक है, 27 फीट ये लंबाई में है, ठीक है। अब देखो आगे, वेयर हैज दी 112 मीटर यानी 112 मीटर हाई स्टैचू जो है लॉर्ड शिव का, जो कि स्टैचू ऑफ बिलीव माना जाता है, विश्वास स्वरूपम, ठीक है, विश्वास स्वरूपम इसको दूसरे शब्दों में कहा जाता है। तो ये जो है, ये है हमारे भगवान लॉर्ड शिव का, ठीक है, शिव जी का ये पूरा स्टैचू है। तो कहाँ पे इसको किया गया है अनवील, तो ये किया गया है नाथ द्वारा राजस्थान के अंदर इसको अनवील किया गया है, जो कि 112 फीट लंबा है, 112 फीट जो है इसकी हाइट है, सॉरी 112 मीटर इसकी हाइट है, और अगर फीट में बात करें तो 369 फीट इसकी हाइट है। और यहाँ पे किसका स्टेचू है, ये शिव जी का स्टेचू है जो कि नाथ द्वारा राजस्थान के अंदर अनवील किया गया है। नेक्स्ट देखो, वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टेचू जो कि लॉर्ड बुद्धा का है स्लीपिंग पॉस्चर में, वो कहाँ पे क्या किया, इंस्टॉल किया गया है। तो यहाँ पे बिल्कुल आपने अगर आंसर गैस किया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, दैट इज बोध गया, ठीक है। बोध गया में ही इनके जो स्लीपिंग पोस्चर में ये जो आप देख रहे हो स्टैचू, इसको क्या किया है, अनवील किया है, जो कि वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू माना जा रहा है। और बात करें इसकी कितनी हाइट है, तो यहाँ पे क्योंकि ये स्लीपिंग पोस्चर में, तो इसलिए हमें इनकी हाइट मतलब लेंथ और ब्रेथ दोनों देखनी है। तो दिस स्टैचू इज 100 फीटर लॉन्ग, मतलब कि अगर आप इनको ऐसे देखोगे दैट इज 100 फीट, ठीक है, 100 फीट लॉन्ग एंड 300 फीट हाई, ठीक है। अगर अगर आप ऐसे देखोगे तो ये करीब 300 फीट जो है ऊंचाई पे, ठीक है। तो इसलिए वर्ल्ड का टॉलेस्ट लॉर्ड बुद्धा का स्टैचू माना जाता है इसको, कहां पर, ये दो बोध गया, ठीक है, इतनी चीजें याद रह जाएंगी। नेक्स्ट देखो, इन विच कंट्री वॉज द 141 फीट हाई स्टैचू ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है। जीसस क्राइस्ट कौन होते हैं, क्रिश्चियन के जो है लॉर्ड होते हैं ये, और इनका जो है 141 फीट का जो स्टैचू है वो कहाँ पे अनवील किया गया है, तो ये है आपका करेक्ट आंसर, ब्राजील के अंदर। ब्राजील के अंदर अभी इसका हाल ही में इनॉग्रेशन हुआ है, ठीक है, कंस्ट्रक्ट वहीं पे हुआ है, तो 141 फीट हाई है ये, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 108 फीट हाई का जो स्टेचू है किनका, हनुमान जी का, उसको कहाँ पे अनवील किया है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका गुजरात में, मोरबी गुजरात के अंदर 108 फीट हाई हनुमान जी का जो स्टेचू है उसको अभी अनवील किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह ने, उन्होंने अभी एक राजपूत वॉरियर जो है जिनका नाम वीर दुर्गादास राठौड़ है, इनका स्टेचू भी अनवील किया है। तो इनका स्टेचू कहाँ पर अनवील किया है, दैट इज जोधपुर राजस्थान के अंदर, ठीक है, जोधपुर राजस्थान के अंदर इनका स्टेचू जो है अभी अनवील किया गया है, किनके द्वारा, मतलब यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा। यहाँ पे देखो, वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में अगर थोड़ा सा हम जाने, तो ये जो है ब्रेव वॉरियर थे जिन्होंने राठौर डायनेस्टी पे रूल किया था ओवर मारवाड़ आफ्टर द डेथ ऑफ महाराज जसवंत सिंह इन 17th सेंचुरी। 17वीं सेंचुरी में जो है महाराजा जसवंत सिंह की डेथ के बाद यहाँ पे जो है मारवाड़ का जो किंगडम था उनके उधर जो है यहाँ पे इन्होंने रूल किया था। और ये जो है एक तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो वीर दुर्गादास राठौड़ जो है इनकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मारवाड़ जो है वहां पे इन्होंने रूल किया था, ठीक है, एज अ राठौड़ डायनेस्टी। यहाँ पे देखो, पीएम मोदी ने अभी अनवील किया है 30 फीट हाई ब्रॉन्ज स्टेचू ऑफ फ्रीडम फाइटर अलूरी सीतारमन राजू, ठीक है, अलूरी सीतारमन राजू जो है इनका, ये है अलूरी सीतारमन राजू, अभी इनका भी जो है हाल ही में स्टेचू अनवील किया गया है पीएम मोदी के द्वारा, जो कि 30 फीट हाई है, ठीक है, 30 फीट जो है इनकी करीब करीब पूरी हाइट बताई जा रही है। अच्छा, कहाँ पे किया गया है, तो ये किया गया है ईस्ट गोदावरी जो कि आंध्र प्रदेश का रीजन माना जाता है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में इसको अनवील किया गया है। कितनी है इसकी हाइट, तो इसकी हाइट है 28 फीट, 28 फीट जो है इसकी हाइट है, और इसको ब्लैक ग्रेनाइट स्टेचू ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैज बीन इंस्टॉल अंडर अ कैनोपी नियर इंडिया गेट। यहाँ पे जो है बताया गया कि इसके अलावा यहाँ पे स्टेचू जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वो भी यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है नियर दी इंडिया गेट, ठीक है। यहाँ देखो, वेयर हैज द यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 108 फीट टॉल स्टेचू ऑफ लॉर्ड श्री राम, ठीक है, यहाँ पे एक राम जी का जो हमारे स्टेचू है लॉर्ड राम उनका स्टेचू है उनका भी अनवील किया गया है, जो की 10 फीट टॉल स्टेचू है। कहाँ पे इसका इनॉग्रेशन किया गया है, तो ये किया गया आंध्र प्रदेश के अंदर, ये जो आप स्टेचू देख रहे हो, ठीक है, भगवान राम का, ठीक है, तो ये कहाँ पे किया गया है, दैट इज
ये किया गया आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश के अंदर इनका जो स्टैचू है जो कि 100 फीट हाई है, 108 फीट, तो इसका इनॉग्रेशन किया गया है। अब देखो यहाँ पे हम थोड़े से एक बार लिस्ट देख लेते हैं वर्ल्ड के टॉलेस्ट स्टैचू के बारे में। तो वर्ल्ड का जो टॉलेस्ट स्टैचू है दैट इज स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि हमारे भारत में ही है लोकेटेड, और इसकी हाइट है 182 मीटर। तो इसको प्लीज आप याद कर लेना, और इसका जो है आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ कि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है इसके स्कल्पचर कौन है, ठीक है, इसको डिजाइन किसने किया था और इसके स्कल्पचर कौन है। और इसके बाद बात करें दूसरे नंबर पे जो है चाइना का स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा है, जो कि 128 मीटर का है, यानी फीट में बात करें तो 420 फीट, जो कि चाइना के अंदर है। और फिर यहाँ पे लेकुन सिक्का जो कि म्यांमार में है, इसकी हाइट है करीब 380 फीट। इसके बाद विश्वास स्वरूपम, ठीक है, जो कि इंडिया का ही है, इंडिया में देखो आप चौथे नंबर पे भी इंडिया ही आता है मतलब हाईएस्ट स्टैचू के मामले में। और इसकी फीट कितनी हो, कितने लंबाई है, तो यह है 348 फीट का यह है, ठीक है। उशिकू दाइबुत्सु जो कि जापान का है, जिसकी हाइट है इतनी, तो आप जो है इसको एक बार जरूर से पढ़ लेना, लेकिन आपको यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड में बेसिकली याद रखने टॉलेस्ट स्टैचू की लिस्ट में, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप इसको एक बार रीड कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, वीडियो को जो है एंड करने का टाइम आ गया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने इसको जो है जितने भी स्टैचू की हमने बात करी एक बार प्लीज उनसे गो थ्रू जरूर कर लेना, क्योंकि 2023 में ये किसी ना किसी न्यूज में जो है बने हुए थे और ये पार्ट है हमारे आर्ट एंड कल्चर का। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा गया तो मैं नहीं चाहता कि आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाओ, इसलिए आप प्लीज इसको अच्छे से देखो और अच्छे से याद कर लो, रट लो, ठीक है। तो ऐसे ही और वीडियोज पाने के लिए बस आपको कुछ नहीं करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, सो दैट आप जब भी मैं कोई वीडियो डालू आपको वो चीज का नोटिफिकेशन मिल जाए। यहाँ पे देखो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, XYZ कोई भी एग्जाम, तो आपको इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो मैं ऐसा चाहता हूँ। और यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं बहुत सारे MCQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, स्टडी मटेरियल, और इसके अलावा डेली बेसिस पे करंट अफेयर जो कि अपडेटेड होते हैं, डेट वाइज होते हैं, ठीक है। तो इतना सब कुछ मिल रहा है आपको एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, व्हाई नॉट कि आप डाउनलोड करो। तो मैं तो चाहता हूँ आप लोग की तैयारी अच्छे से हो और आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि मेरा सिलेक्शन हो गया है ऐसा वैसा, तो मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है। तो जल्दी से मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जो कि आपकी तैयारी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए। तो जल्दी से फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जुड़ना मत भूलना मेरे साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हेयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग।